5 जून को करीब 8 बजे दिन में फतवा फोर लेन पर भिकुआ के पास एक कार से आ रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए SDPO फतुहा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO फतुहा, SHO नदी, दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और SI रवि पासवान, SI ललित कुमार जो फतुहा थाना में प्रतिनिधित्व हैं उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी जो मृतक के पहले बेटे की भी पत्नी थी उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है, इसके अतिरिक्त एक स्कूटी और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो दामाद है उसने उसके खाते में दिखाया गया कि RTGS 1,000,000 रुपये के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले। इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, और उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इस दिशा में टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इस खुलासे से एक महत्वपूर्ण केस का उद्भेदन हो रहा है। सर, ये लोग प्रोफेशनल मतलब के शूटर थे कि कहीं समय आया गया था कि लोकल थे? नहीं, ये तो फिलहाल जो शूटर है वो कंकड़ाबाग में रह रहा था, तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिंकेजेस देख रहे हैं बाकी अन्य केसेस। ये पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कल ही अरेस्टिंग हुई है। तो जैसा कि पहले बताएं कि मूल कारण पैसे की नीयत से ही हुआ है और पवन कुमार का जो है मृतक के पहले बेटे की पत्नी से संबंध भी था और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी रजिस्ट्री ऑफिस में। इसकी प्लानिंग कब और कैसे, कितने दिनों से चल रहा था? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो क्योंकि पवन कुमार लगातार प्रयास कर रहा था, ये जो पैसे का हेरफेर काफ़ी समय से चल रहा था और जब फरवरी या जनवरी में रिटायर किए उसके बाद से ही वो प्रयासरत था कि पैसे का गबन किया जाए। पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ होगा ना, वार्तालाप हुई होगी, मृतक से झड़प हुआ होगा या कई बार कुछ अल्टीमेटम दिया गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ झड़प नहीं हुआ था, लेकिन उनको फील हो रहा था कि ये पैसे का गड़बड़ी हो रहा है। ज़मीन जो दिखाया गया था वो भी बताया जा रहा है कि ज़मीन सही ज़मीन नहीं था, वो उस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं आगे। टोटल कितने की टोटल अमाउंट कितना है? टोटल 50,00,000 की बात बताई जा रही है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास 23,00,000 का है, 10,00,000 जो उन्होंने RTGS किया है और 13,00,000 जो है भाई जो है अपने फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा डाल रहा है। सर, बाली है, टोटल जो भी है बाली है? जी जी। मतलब क्या इनका 50,00,000 रुपया इन लोगों ने ले लिया था, मृतक का 50,00,000 रुपया ये पवन और उसके भाई ने हड़प लिया था? अभी हमें कुछ ऐसा रिपीट किए हैं कि 50,00,000 की ज़मीन की बात हुई थी, जिसमें कि ये 10,00,000 इन्होंने RTGS किया था, 13,00,000 कोई फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डाला था। अब कैश कंपोनेंट का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कि मृतक अब बताने में नहीं। हाँ जी, पवन ही बोल रहा था कि कहीं ज़मीन दिला देंगे। गोली किसने मारी? गोली मारने वाले का नाम है अमर कुमार, कंकड़बाग का जो रहने वाला है। एक ही पिस्टल से गोली चली थी या अलग अलग है? ड्राइवर को अलग गोली मारी गई? हमने उसमें अब तो FSL जांच होगा, वहाँ से जो बरामद कारतूस हैं और इस हथियार का उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मतलब ये हुआ सर, इन लोगों ने 23,00,000 रुपया ले लिया, जमीन जब उन लोगों ने मांगा तो हत्या कर दी, यही है? ऐसा बताया जा रहा था कि संभव जो ससुर थे उनको अब कन्विंस हो रहे थे कि उनके साथ गड़बड़ी हो रही है, इसके जो अवैध संबंध है उसके संबंध में भी और ये पैसे को लेकर भी, तो दोनों चीज़ की उनको संदेह होने की बात बताई जा रही है। पवन कुमार और उसके भाई टिंकू कुमार और उसकी दूसरी पत्नी विभा कुमारी से मिलकर ये प्लान किया गया था, तीनों ने मिलकर प्लान किया था और ये अमर कुमार को इसकी हाँ जी उसको नहीं उसको गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ मिलकर ये प्लानिंग किया गया, तीनों ने मिलकर प्लानिंग किया। हाँ जी।
पवन की ही शादी है वो, इनफैक्ट ससुर के जो पहले बेटे की पत्नी है उसी से वो। सर किलर को भी कुछ पैसा दिया गया था? हाँ जी, गोली चलाया। हाँ जी हाँ जी, 40,000 बता रहा है, 40,000 दिया गया था, 1,00,000 समथिंग बात हुआ था, 40,000 दिया गया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।